नमस्कार, संगीतर्स किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास हैं ये तीन अंडे जिसको मैंने थोड़ा सा डेगी मिर्च के साथ करके रखा है। बॉईल कराए हुए ये अंडे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ पालक के साथ एक एग करी, एक यूनिक रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट रहेगी। ये देखिए, मैंने मसाला सूखा रखा है, हल्दी है, जीरा, धनिया, मिर्च और नमक, और साथ में है ये हरा धनिया फ्रेश, कुछ मसाला मेरा भुना हुआ, टमाटो प्यूरी, प्याज, और ये है पालक जो मैंने ब्लांच करी थी, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम एग्स को फ्राई करेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है और ये मैंने थोड़ा सा कलर इसीलिए रखा क्योंकि हम ग्रेवी ग्रीन बना रहे हैं, तो एक तरीका कलर हो जाएगा, ये केवल ऑप्शनल है। बट जैसा आप ढाबे में देखते हैं एग को थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, जस्ट टू गिव अ नाइस टेस्ट टू द सब्जी विच वी आर मेकिंग। तो चलिए मिलते हैं अंडों को फ्राई करने के बाद। तो देखिए, ये अंडे हो गए फ्राई, तो मैं इसको एक बोल के अंदर निकाल लूंगी और इसी ऑयल के अंदर हम करेंगे बाकी की कुकिंग। तो ये देखिए, मैंने अंडे रख दिए यहाँ पर और अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पालक बनाएं तो हमें प्याज की क्वांटिटी अच्छी लेनी होती है। एक पालक का जो थोड़ा सा कसैलापन होता है वो निकल जाता है प्याज की मिठास के साथ। तो ये देखिए, प्याज के साथ ही मैंने डाल दिया ये लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ही लाजवाब बनके होगी तैयार, और ये जो थोड़ा सा प्याज से क्रंची हो जाएगी हमारी पालक वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो पालक जब भी आप बनाएं उसको ब्लांच कर लीजिए, मतलब पालक को आप बॉईल करिए और एकदम ठंडे पानी में करके उसको स्ट्रेन कर लीजिए, तो कलर बहुत ही बढ़िया बना रहेगा। जिस तरह से आप मेरी पालक को देखेंगे, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन और बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो इसका कलर रिटेंशन तभी रहता है जब आप इसे ठंडे पानी में ब्लांच करें। तो मिलते ही थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करने के बाद, प्याज हो गई। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, नमक, मिर्च, जो भी सूखे मसाले हैं, इसको भी एक बार हम इस तरह से करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये टमाटो प्यूरी। अब हम ये सारे मसाले को बढ़िया तरीके से भूनेंगे और इसी समय पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ी देरी में। बाकी मसाले हम डाल चुके हैं, बढ़िया अब होना चाहिए ये भुनाई इसकी, ताकि ये बहुत ही बढ़िया लगे, और बाद में हम डालेंगे पालक। तो चलिए मिलते हैं मसाले को भूनने के बाद। अब आप देखिए, लाजवाब हो गया ये मसाला। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये पालक की प्यूरी। ये तीखी पालक है, आपको पता ही है बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर भूनने के लिए मसाला इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। एक लाजवाब स्वाद आएगा इसका और बढ़िया बनके होगा तैयार। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको ढक देते हैं हम थोड़ी देर और इसको भूनने देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए, अब मैंने लेप को हटा दिया और पालक को बिल्कुल तो बढ़िया तैयार। अब हम दो तरीके से सर्व कर सकते हैं, या तो मैं अंडे इसके अंदर ही डाल दूं, लेकिन मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा हम इसको क्रिएटिव करें। मैं क्या करूंगी,
इस पेन में जिसमें सर्व करने जा रही है वो पेन इस तरह से देखे जिसके अंदर मैं पालक को इस तरह से डालूंगी। जब आप कभी सर्व करें तो सुंदर भी लगना चाहिए। तो ये देखिए एक बढ़िया तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है पालक की और सारे ही मसाले इसके अंदर। और इसको मैं रखूंगी देखिए यहाँ पे मैंने जिस तरह से इसको तैयार किया है और इसके अंदर आप चाहें तो अंडे को काट के भी रख सकते हैं या आप इसी तरह से इसको साबित रहने दीजिए। और ये देखिए है ना बढ़िया। तो इस तरह से ये हो गई मेरी अंडे की ग्रेवी बढ़िया तैयार। मैं थोड़ा सा एक ड्रॉप इसके ऊपर भी रखूंगी। और लाजवाब एग करी हुई है तैयार और मैं इसको गार्निश कर दूंगी कुछ कोरिएंडर लीव्स के साथ में। और आप खाइए और मुझे बताइए आपको ये प्यारी सी पालक की एग करी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग संगीतास वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।